गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल दानिश बेग लर्निंग पर आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। और मैं आज क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए उनकी ही किताब से स्टडी किए मतलब रेडी किया हुआ मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय एक्सप्लेन कर उनको बताऊँगा। तो क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इसको समझें। तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए फ्रेंड्स, ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ये ऊपर आपकी जो है मोस्ट हेडिंग है, और जीवन परिचय आपकी सेकेंड हेडिंग है। तो इसमें जीवन परिचय में कुछ है डिटेल्स मैंने दी हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और इनका जन्म बनारस के लहमी नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजय राय था, जो 20 रुपये मासिक में डाकखाने में नौकरी किया करते थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन कार्य शुरू किया, फिर बीए किया। बीए करने के बाद यह शिक्षा विभाग में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त हुए। इसी बीच उर्दू लेखन कार्य भी इन्होंने शुरू किया। आगे देखिए के कहते हैं, इन्होंने सोजे वतन नामक आपकी एक रचना ने ब्रिटिश सरकार को अत्यंत बेचैन कर दिया। इसी बीच सरकार ने इनकी पुस्तक को जब्त कर लिया। इन्होंने जीवन भर कठिन संघर्ष किया है। अपनी गरीबी से लड़ते हुए सन 1936 में इनका देहांत यानी मृत्यु हो गई। इनकी फ्रेंड्स कुछ कृतियाँ भी हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 300 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कृतियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उपन्यास लिखा है इन्होंने, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। कविता है इनकी सप्त सुमन और प्रेम सुमन। नाटक है इनके संग्राम और करबला। निबंध है इनके कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य। संपादन है इनकी मर्यादा, माधुरी और हंस। ये फ्रेंड्स इनकी कृतियाँ तथा रचनाएँ हैं। अब आगे इनकी थोड़ी भाषा शैली भी है जो मैंने लिखी है। प्रेमचंद्र जी की भाषा सरल, शुद्ध, सरल, मधुर, उर्दू मिश्रित है। तो ये इनका जीवन परिचय है पूरा। तो आप इसको जल्दी से रेडी कर लो एग्ज़ाम के लिए। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।